हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। एक्सेस के अंदर कई बार हम जो है फॉर्म व्यू में कैलकुलेट नहीं हो सकता ऐसा मान लेते हैं, और अगर हो सकता है तो केवल बीबीए की मदद से हो सकता है ऐसा भी मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से चलते हैं और एक्सेस को ओपन करते हैं। एक्सेस का कोई भी वर्जन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर अर्लियर वर्जन है तो ज्यादा बेटर। मेरे पास 2021 है, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ब्लैंक डाटाबेस पे जाना है आपको। जैसे जाते हैं तो ये एक विंडो इस तरीके की ओपन होती है, देखिए ये विंडो ओपन हो गई। यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करिएगा, और क्रिएट पे क्लिक करके और जहाँ से चाहे तो व्यू पे जाके, और आप बना सकते हैं जो भी है, ठीक है। जैसे टेबल का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट टेबल, तो ये हो गया स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम दे दिया और टी कर देते हैं टेबल, इससे पता चलेगा कि ये टेबल है। अब यहाँ पे आईडी आ रहा है तो ये प्राइमरी की है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रोल नंबर, और इसे ऑटो नंबर ही फिलहाल रखा है। फिर यहाँ कर देंगे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ही लिखना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और इसका जो डेटा टाइप है वो शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। बाकी यहाँ पे जो भी मार्क्स आपको डालने हैं तो वो सब्जेक्ट के नाम आएंगे, तो यहाँ पर उन सब्जेक्ट के नाम जरूर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं नाम भी डाल देता हूँ, मैथ्स कर देता हूँ। ये तीन सब्जेक्ट हो गए, आप तीन से ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लेकिन यहाँ पे नंबर ही डेटा टाइप आपको रखना है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट वे है, तो यहाँ से जाकर के और यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन टोटल तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ये सीधा टेबल में ही टोटल कर सकते हैं, लेकिन हमें टेबल में टोटल करना नहीं है, ठीक है। हमारे साथ ये समस्या है कि हमको टोटल यहाँ से करना ही नहीं है, तो इसको हम कट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमको टोटल और एवरेज दोनों ही कहाँ से करना है, दोनों ही करना है हमको फॉर्म से, ठीक है। तो हमें क्रिएट पे जाना है और एक फॉर्म डिजाइन पे चले चलते हैं, और यहाँ पर आपको दिखेगा एग्जिस्टिंग, तो हमने बनाया तो ही है, तो यहाँ पर सभी चीजों को ले लेते हैं, लाइक रोल नंबर ले लेते हैं, देन यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है ये आ गया इधर, और फिर जो है इसके बाद कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है इसका मार्क्स आ जाएगा, फिर यहाँ इंग्लिश आएगा, फिर यहाँ मैथ्स आएगा, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इनको थोड़ा सा व्यवस्थित भी कर लेंगे इस तरीके से रख के, यहाँ पे इसको रखेंगे और यहाँ पे इसको रखेंगे, ठीक है। इन अब हमको टोटल करना है, ठीक है, टोटल करना है। रोल नंबर को इधर लाते हैं, टोटल करना है, तो टोटल कैसे कर सकते हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर जाएंगे और यहीं पे मैं इसको ड्रैग करवाता हूँ तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब हमको क्या करना है, प्रॉपर्टी शीट पे चलना है। प्रॉपर्टी शीट पे आ गए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है, ये टेक्स्ट 5 लिखा हुआ दिख रहा है नेम में। तो पहले तो ये टेक्स्ट 5 हटाते हैं, यहाँ पे टोटल लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लेबल है हमारा, इसमें भी आपको कैप्शन में क्या मिल रहा है, टेक्स्ट 5 मिल रहा है, तो इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे टोटल लिखेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे रहेगा वही यही यहाँ पे भी रहेगा। अब यहाँ पर आपको आना है कंट्रोल सोर्स पर, 3 डॉट्स दिखेंगे, क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए बिना बीबीए की मदद के आप फॉर्म व्यू में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो हमारे पास पहला है कंप्यूटर, ठीक है, इसका डेटा टाइप हमने पहले ही डिसाइड कर दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा है इंग्लिश, ये इंग्लिश हो गया, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर तीसरा है मैथ्स, MATHS, ठीक है। तो ये तीसरा भी हो गया, मैथ्स भी हो गया। अब इसको बंद करके और ओके करना है, ध्यान रखिएगा एक ही ब्रैकेट क्लोज करना है क्योंकि एक ही ओपन हुआ था, ठीक है। आप इसे ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ताकि ये सारी चीजें जो है दिखाई दे, जो भी एडिशन वगैरह हुआ है ये सारी चीजें क्लियरली दिखाई पड़ेंगी इससे, ठीक है। और यहाँ पे इसकी साइज को थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमको कैलकुलेट करना है एवरेज, तो फिर हमें क्या करना होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, तो ये ले लिया टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर इसे करवा दिया ड्रैग, तो ये ड्रैग करवा दिया। और अब यहाँ पर क्लिक हमने किया है, ये जो नेम है ना इसको हटाना है और यहाँ पे टाइप करना है एवरेज, ये एवरेज टाइप कर दिया, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पर भी ये जो हमारा कैप्शन है इसको भी चेंज करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे एवरेज, एवरेज, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 7th, 8th, 9th, 10th में शायद, कि जो है एवरेज होता है वो क्या होता है, एवरेज जो होता है वो जितने भी
सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके मार्क्स को जोड़ करके और उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, यही एवरेज होता है, वही ले ले इसमें। एक बार चेक करते हैं टोटल पे ये कैलकुलेट होता है या नहीं। तो ये टोटल लिखा और अपॉन थ्री कर दिया हो, बस यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिए। तो व्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये हो जाना चाहिए। तो पहले तो इसको क्लोज करना होगा सेव करके, देन यहाँ पर आते हैं। तो अब देखिए अब ये टोटल के साथ साथ एवरेज भी कैलकुलेट करने लगा है, ठीक है। अब जब दूसरे रिकॉर्ड पे जाएंगे तो यहाँ दूसरा रिकॉर्ड भी आप फिल कर सकते हैं, जैसे रितेश दूसरे बच्चे का नाम है और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ 66 मार्क्स हैं, फिर 55 हैं, फिर 77 हैं, तो यहाँ टोटल के साथ एवरेज भी आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगला, तो अगला खाली टैब प्रेस करते जाइए और अगले का यहाँ पे एंट्री पास करते जाइए आप। तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर ही आपका बन करके तैयार हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एवरेज अलग अलग कैलकुलेट होकर आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको पूरी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हुई होगी इस वीडियो से, और इस तरह की चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो बेहद आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे की भी एंट्री कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप खाली टैब प्रेस कीजिए अगले रिकॉर्ड पे। अगर देखिए ये नया है, यानी रोल नंबर 3 की बात होगी। अब रोल नंबर 3 का नाम रवि है और यहाँ पर सॉरी 4 का नाम रवि है और यहाँ पर 45 मार्क्स आए, 67 आए, फिर यहाँ पर 54 आए। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल के साथ साथ एवरेज भी कैलकुलेट करता चल रहा है। इसी तरीके से अगले रिकॉर्ड पर आएंगे तो अगले रिकॉर्ड पे फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और नाम लिखता हूँ युवराज, ये लिख दिया। और यहाँ पर आते हैं तो मार्क्स फीडिंग करिए आप, तो ये मार्क्स फीडिंग हो जाएगी और यहाँ पे एवरेज भी साथ में कैलकुलेट होता चलेगा, ठीक है। तो ये करना आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, थोड़ी सी चीजों को बहुत ध्यान दे के करना होगा। थोड़ा ध्यान देंगे तो आप कर पाएंगे इसको भी, ठीक है। और इसमें देखिए मैंने कहीं भी बीबीए नहीं लिखा है, बीबीए पर कोड नहीं लिखा है। आसान है आपके लिए करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।